रातों रात निगम ने विसर्जन कुंड को करवाया खाली, कचरे में गया पूजा सामग्री। आनासागर का पानी दूषित न हो इसके लिए निगम द्वारा पहले सुभाष उद्यान में विसर्जन के लिए कुंड बनाया गया था, लेकिन वह कुंड बाद में आजाद पार्क में बनाया गया। लोग यहाँ पर गणेश मूर्ति के साथ साथ ही पूजा की जो सामग्री होती है, चाहे वह नारियल हो या फिर माला, सभी को विसर्जन के मौके पर साथ लेकर आते हैं और वे उसी पानी में ठंडा करते हैं। लेकिन कल उनका पूजा की सामग्री को ठंडा करना बिल्कुल बेकार गया और वह सारा सामान कचरे में गया। आपको बता दें कि कल विसर्जन के बाद कुछ ही देर बाद निगम के निर्देश के बाद आजाद पार्क के कुंड की सफाई कर दी गई। हमारी टीम जब सुबह वहां पर पहुंची तो देखा कि कुंड बिल्कुल खाली मिला और पूजा की जो सामग्री का सामान था वह सारा कचरे में पड़ा हुआ मिला। हां सर, बताइए किस तरह कुंड को खाली। ये रात्रि 10 बजे तक निगम, कल जो कार्यक्रम था गणेश चतुर्थी का, गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम था, हमेशा रात को जो होता है विसर्जन वगैरह उसको दूसरे दिन खाली करवाया जाता है, लेकिन निगम प्रशासन ने कल तुरंत ही जैसे ही विसर्जन समाप्ति हुई उसके बाद ही कुंड की सफाई व्यवस्था चालू करवा दी गई और उसे तुरंत प्रभाव से साफ करवा दिया गया। आपका नाम? सुनील।